हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आलू सूजी स्नैक की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत ही सिंपल है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लगते हैं इसमें। तो यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्ग्रीडियंट्स से। तो ये हमने बॉयल्ड आलू ले लिए है, 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके उसे हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। सूजी ली है, 1 कप सूजी है, ये 200 ग्राम से थोड़ी सी कम है। ये ली है काली मिर्ची का पाउडर, आधी छोटी चम्मच है, नमक स्वाद के अनुसार, और ये हमने फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। इन सब की मेजरमेंट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। ये हमने पैन लगा लिया है, इसमें हम सूजी को सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, ओनली हम इसे कम आंच पर भूनना है हमें इसे, ताकि सूजी का कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो सूजी को हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लिया है। बस हमें इतना ही भूनना है, अदरवाइज़ इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। तो गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल में ये आलू डाल देंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये जो हमने भुनी हुई सूजी है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ नहीं। और साथ में हम इसमें काली मिर्ची और नमक भी ऐड कर देंगे। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। सारी सूजी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं अब इसे हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि स्पून से इतना अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डो हमारा बिल्कुल, ये देखिए, इस तरह से टाइट हो चुका है। इसमें कोई पानी का हमने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, ताकि जो कलर है इसका थोड़ा येलो हो जाए। तो चलिए हम भी थोड़ी सी हल्दी डालकर इसमें देख लेते हैं, ताकि इसका जो कलर है वो एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी टिक्की की शेप देंगे इसे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा दूंगी। आप चाहें तो छोटी टिक्की बनाएं या फिर बड़ी टिक्की बनाएं। हम बनाएंगे इस तरह से गोल, फिर इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये शेप देंगे हम इसे। इसी तरह से हम टिक्कियाँ छोटी छोटी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सूजी आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी है। आप इसे टिक्की भी कह सकते हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तो तेल को हम गर्म होने देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारी टिक्कियाँ हैं। हमारा जो पैन है वो काफ़ी बड़ा है, वाइड है नीचे से, तो इसमें सारी टिक्कियाँ एक ही बारी में आ जाएगी। ये देखिए, पूरी टिक्कियाँ एक साथ आ चुकी है इसमें। तो इसे फ्राई होने देते हैं। गैस की फ्लेम जो है हमारी मीडियम पे है। जैसे एक साइड से फ्राई हो जाएगी, हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है ज़्यादा। हमने नमक, काली मिर्च डाली है, क्योंकि ये बिना किसी मसाले से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसका बहुत ही अलग टेस्ट होता है। यदि आप सूजी की आलू की टिक्की मसालेदार देखना चाहते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे प्याज, लहसुन, हर चीज़ डली हुई है, वो भी ऑलरेडी चैनल पर दे रखा है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन आज जो हम ये बनाने जा रहे हैं, ये स्नैक बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और इसमें कोई मसाले नहीं है, तो बच्चे भी इसे इजीली खा सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। सूजी आलू की टिक्की बनकर रेडी है। तो इसे हम निकाल देंगे, इतना ही फ्राई करना है हमें इसे। ये हमारे आलू सूजी के स्नैक्स बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए। यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।